आज की वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेक्शन फार्मूला इस पर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फार्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वाड्रिलेटर, ट्राइंगल, ये क्या होता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में हम लोग ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख लिए। पार्ट फोर में हम लोग सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूले में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनल डिवीज़न। तो यहाँ पे दिखाया गया कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, एब्सिसा और ऑर्डिनेट उसका निकालना है, उसके पॉइंट्स निकालने हैं। विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि आप दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये नोन है आपको, एक्स वन कामा वाई वन दिया गया है और एक पॉइंट एक्स टू कामा वाई टू दिया गया है। इसको मिलाने पर, बात को ध्यान देंगे, इसको मिलाने पर जो सेगमेंट बना है उस सेगमेंट को कोई पॉइंट पी इंटरनली, मतलब इस पर ही है, इंटरनली अंदर से अंतः, मतलब अंदर है कहीं पी, इंटरनली एम रेशियो एन, मतलब या ये एम है और ये लेंथ एन है, एन लिया गया, ये एम लिया गया, तो इसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक ऐसा पॉइंट दो दिए गए पॉइंट से मिलाने वाली रेखाखंड को इंटरनली एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स और वाई बताने हैं हमें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए पी का रेशियो पी बी से दिया गया है, एम रेशियो एन। अगर आपको एक्स और वाई निकालने हैं, हाँ यहाँ पर एन होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ कैसे करेंगे, एक हिंट देते हैं। ए पी इज़ अ डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। फिर नीचे बी पी भी एक डिस्टेंस है, एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर और वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर बराबर एम रेशियो एन। तो यहाँ से एक्स और वाई निकालेंगे, बट इट इज़ अ टाइम टेकिंग, समय से लगेगा। मैं पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो डायरेक्टली ये दिए जाते हैं कि पी के जो पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट होंगे उसका एब्सिसा जो होगा, कहा जाता है कि इसका एब्सिसा एम का मल्टीप्लाई एक्स टू से क्रॉस मल्टीप्लाई एम एक्स टू प्लस, इंटरनल डिवीजन है तो प्लस लगाएंगे, एन का मल्टीप्लाई एक्स वन से एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा। अब जैसा एब्सिसा के साथ किया है, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ किया, वैसे ही सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे, इन प्लेस ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, वाई, तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये पी के पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट हो गए। अगर आप इसको सहज सिंपल तरीके से सिंपली आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, जिसको हम शॉर्टकट की तरह अपना सकते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी कैचिंग पावर है, वेक्टर के टर्म में बात करें, तो वेक्टर के टर्म में बात करेंगे तो यहाँ पर ए पी वैक्टर अपॉन वी पी वैक्टर एम अपॉन एन रेशियो में, अपोजिशन वैक्टर ए पी है तो ओ पी माइनस ओ ए अपॉन ओ पी माइनस ओ बी एम रेशियो एन। तो अगर आप इससे आगे बढ़ पाते हैं तो आप बहुत आसानी से आंसर पा जाएंगे, बट मैं आंसर्स, हमने यहाँ पर भी हिंट दिया कि कैसे निकाल सकते हैं और वहाँ पे भी हिंट दिया कैसे निकाल सकते हैं, तो बस आपको याद क्या करना है, फार्मूले, तो फार्मूला यहाँ पे है, ठीक। अब यहीं पर इफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का अगर मिड पॉइंट हो, ए बी मिड पॉइंट तभी होगा जब वो इंटरनली वन रेशियो वन में डिवाइड करें। मिड का मतलब होता है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो यहाँ पे एक्स वन कामा वाई वन होगा और यहाँ पे एक्स टू कामा वाई टू, तो इसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ एम और एन की वैल्यू वन हो गई, तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू,
तो मिड पॉइंट फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, याद करेंगे बहुत ही जगह यूज़ होता है मिड पॉइंट फार्मूला। और इंटरनल डिवीज़न, अगर कोई पॉइंट दो पॉइंट से बनी हुई लाइन सेगमेंट को इंटरनली किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है तो उसका फार्मूला, उसका एप्लीकेशन आपको ध्यान देना है। ऐसे अभी हम लोग स्टैंडर्ड डिवीज़न का भी फार्मूला देखते हैं, डेरिवेशन देखते हैं, फिर हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट तक आप बने रहें। तो एक्सटर्नल डिवीज़न और इंटरनल डिवीज़न, अगर इंटरनल डिवीज़न की डेफिनेशन में और एक्सटर्नल डिवीज़न के डेफिनेशन में अंतर अगर पाएंगे तो ये वर्ड एक्सटर्नली इन प्लेस ऑफ इंटरनली एक्सटर्नली हो गया, मगर फिगर वाइज बहुत ही अंतर आ गया, चेंजेस आ गए। देखिए, जब इंटरनल डिवीज़न का फिगर हमने बनाया था तो हमने ए और बी पॉइंट लिए थे, इनके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स1 कहाँ y1 थे, इतना से करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। P पॉइंट कहीं इंटरनली m रेशियो n में डिवाइड कर रहा था तो उसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे। अब उसने बोला कि AB लाइन सेगमेंट को जिसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आल्सो यहाँ x1 y1 और x2 y2 हैं, उसको एक्सटर्नली मतलब कहीं बाहर उसी लाइन सेगमेंट पर, इसके कहीं बाहर इधर या इधर वो पॉइंट है, तो P क्या है, इसके बाहर है, तो P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में। P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली m रेशियो n। देखिए, तो AB को डिवाइड कर रहा है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रेशियो जो लेते हैं वो, मैं नीचे जो ले रहा हूँ वो गलत तरीका है। वो कैसे लेते हैं, इसको m ले लेते हैं, इसको n ले लेते हैं, बात को समझें। वो क्या करते हैं कि इसको m ले लिया, इसको n ले लिया, इसके क्या गड़बड़ हो गया भी बताते हैं। होना क्या चाहिए था, AB को P डिवाइड कर रहा है, AB को P डिवाइड कर रहा है, तो A से P तक का रेशियो m है और P से B तक का रेशियो n है, ये करेक्ट है, ठीक है। P AB को डिवाइड कर रहा है तो P से A तक जाएंगे और P से B तक जाएंगे। यहां पर आपने अगर ऐसे ले लिया तो ये हो गया कि AP को B इंटरनली डिवाइड कर रहा है m रेशियो n, इसके बीच में तो आ गया ही ना, तो ये क्या है, रॉन्ग है, ओके। तो यहां जो लेंथ रेशियो दिया गया तो AP रेशियो BP m रेशियो n, अब वही चीज है, इंटरनली भी वही चीज थी, AP रेशियो BP, देखिए इंटरनली AP रेशियो BP, मगर AP रेशियो BP में P पॉइंट कहाँ हो गया, इस लाइन के अंदर आ गया, यहां पर भी वही है AP रेशियो BP, बट A से P कहाँ है, बाहर, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक P वही चीज है, सेम यहाँ पर भी लिखोगे तो ये लिखोगे AP रेशियो BP बराबर m रेशियो n, मगर ये P क्या है, इनसाइड है, तो ये क्या है, P आउटसाइड है, लाइन की क्या है, आउटसाइड। मेरी बात समझ रहे हैं फिगर आउट करने में, क्योंकि अभी यहीं पर वो फंसाएगा, यहीं फंसा देता है आपको, ठीक। तो इसका बस अब याद रट लिया है तो वो तो आपको पता ही है कि एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन और एन वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे ये एक्स कॉमा वाई निकालना है, तो देखिए एम का ए के साथ है तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे, ए के साथ वाला है और इसका ये बी के वाला है तो ये इसके साथ। अब किसी को लिख दें, जैसे इसको देखिए, अब जैसे बहुत से लोग माइनस टेंशन लेते हैं, भाई यहाँ पर देखिए इसको इधर कर दें एन एक्स वन माइनस एम एक्स टू, तो नीचे भी क्या कर दें एन माइनस एम, बात समझे कि नहीं, एम पहले आया तो एम पहले आएगा, एन पहले आया तो एन पहले आएगा, बस ये ध्यान रख क्रॉस करना इसका इससे ये इससे, कौन पहले लिख रहा है उससे उसका इंटेंशन हमें नहीं लेना है, एम यहाँ लिया तो एम यहाँ लेंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, शायद थोड़ा कन्फ्यूज आप हो सकते हैं, इसलिए हम इसको ले रहे हैं कि देखिए द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पॉइंट या पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पी और क्यू को, लाइन ज्वाइन करने वाले लाइन को एक पॉइंट इस तरीके से डिवाइड करता है इज दैट ट्वाइस एज फॉर फ्रॉम पी एज फ्रॉम क्यू,
ठीक है, तो एक पॉइंट हमने यहां लिया आर, तो बोला कि पी से जितनी दूरी है इस दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम पी एज फ्रॉम क्यू, मतलब क्यू से जो दूरी है उसकी टू टाइम्स, उसकी टू टाइम्स, उस पॉइंट की क्यू से दूरी का टू टाइम्स डिस्टेंस पी से है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहां पर जो हमने रिलेशन लिया कि आर क्यू का टू टाइम्स पी आर है, आर क्यू का टू टाइम्स क्या है पी आर, ठीक। अब यहां पर इस वाले केस में आर क्यू का टू टाइम्स पी आर है, तो आप समझ गए होंगे वही चीज को ऐसे रिलेट कर सकते हैं और वही चीज को ऐसे, यानी दोनों केस यहां पॉसिबल है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। कहने का मतलब आर आर डिवाइड्स डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो टू रेशियो वन, पी क्यू क्यूपी को पी क्यू को टू रेशियो वन और क्यूपी को वन रेशियो टू हो जाता है, बात समझ रहे कि नहीं। अब यहां पर इंटरनली यहां पर भी आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली हाँ टू रेशियो वन, ओके टू रेशियो वन, ठीक। तो कहने का मतलब ये यहां पे कितना है टू और ये कितना है वन, अब पी दिया गया कितना थ्री का माइनस फोर, ये कितना दिया गया माइनस टू का फाइव, आपको ये निकालना है तो आर कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं भाई, ये कैलकुलेट देखिए करते हैं हम आपके सामने, इसका ऐसे मल्टीप्लाई माइनस फोर, इसका ऐसे प्लस थ्री अपॉन टू प्लस वन ये तो होगा, इसका ऐसे टेन, इसका ऐसे माइनस फोर अपॉन टू प्लस वन, कहने का मतलब माइनस वन बाई थ्री नहीं होगा और कितना हो जाएगा सिक्स बाई थ्री टू हो गया कि नहीं, बोलिए। यहाँ पर भी वही उसी तरीके से लगाएंगे, देखिए रेशियो क्या है टू ये है, फिगर आपके सामने बना देते जिससे आप आदर पड़ जाए सही से, और ये वन है ठीक है इट इज वन, पॉइंट वही लिए गए थ्री का माइनस फोर और माइनस टू का फाइव, तो आप कैलकुलेट करेंगे बस आर की वैल्यू निकालने के लिए, बस आप बीच में क्या लगाना पड़ेगा आपको माइनस, तो माइनस फोर माइनस थ्री अपॉन टू माइनस वन और यहाँ पर टेन प्लस फोर अपॉन टू माइनस वन, तो यहाँ आ जाएंगे माइनस सेवन, यहाँ पर फोर्टीन, ओके आंसर आ गया। तो आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखा, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट की थी कि हर टॉपिक के बाद लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट दिए जाए जिससे कि हमें बहुत हेल्प मिलती है, बहुत मुझे अच्छा लगा और उसी चीज़ को मैं बार बार कंटिन्यू रखता हूँ और रख रहा हूँ, आप उसके आंसर्स दीजिए। सारे लोग जो भी लास्ट तक अगर पहुँचते हैं इस सेशन को पूरा कंप्लीट करते हैं तो क्वेश्चंस करके आंसर्स उसके वहाँ पे डालें, जिससे कि आपस में ही खुद कन्वर्सेशन होगा जस्टिफाई होगा और एक अच्छा माहौल बनेगा। तो व्हाइट बोर्ड पर जो भी क्वेश्चंस है आप एक बार नोट कर लें, कोई भी क्वेश्चंस विजिबल नहीं होगा आप एक बार उसको वहाँ पर ज़रूर डालें, उससे क्या होगा कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा बताएगा हिंट देगा। कभी कभी क्या होता है स्क्रीन पर लोगों कहीं ना कहीं आ जाता है तो उसकी वजह से क्वेश्चंस हाइड हो जाता है, ये एक एडिटिंग पार्ट है तो एडिटिंग पार्ट को भी आप समझें, थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है चीज़ों को डालना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी सी कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप उसको समझा करें और आगे भी हम लोग ऐसे कंटिन्यू बना के रखेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या करना है, उसके लिए भी हम लोग आगे गतिमान रहेंगे, अच्छे प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इसी वादे के साथ हम लोग फिर से नए वीडियो में आएंगे। थैंक यू।